को उजागर करने का उन्होंने काम किया, बल्कि उस दिशा में एक सशक्त कदम भी उन्होंने उठाया। मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे होता है, आज भी होता है। साल हजारों करोड़ की राशि जब आवंटित होती है मुख्यमंत्री जी, तो ये कहाँ जाती है? जल्दबाजी उद्घाटन करने की मत कीजिए, जल्दबाजी दिखानी है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम कीजिए। कोरोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ है बात करने के लिए जमुई सांसद और सबसे यंगस्टर नेता चिराग पासवान। मुकामा और गोपालगंज उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह तैयारी है? मैं ईमानदारी से बोलता हूं, प्रदेश कमेटी की तरफ से ज़रूर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई फैसले संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं, पर अभी उस पर कोई अंतिम मोहर या कोई फैसला पार्टी की तरफ से अंतिम तौर पर नहीं लिया गया, क्योंकि अभी तक उस पर चर्चा मेरे साथ बैठकर नहीं संभव हो पाई है, क्योंकि आज मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है और अभी तक हम लोग उसी कार्यक्रम की तैयारियों में ही लगे हुए थे। ये वादा मैंने किया था अपने समर्थकों से, बिहार की जनता से, कि मेरे नेता की प्रतिमा हम लोग बिहार के हर एक ज़िले में लगाएंगे। उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से हमने शुरुआत की थी, आज अपने पैतृक गांव में हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में मेरी प्राथमिकताएँ व्यस्त थी, पर हाँ, इसके बाद मुझे लगता है कल से परसों तक चुनाव को लेकर तमाम फैसले ले लिए। एक बार फिर से चार सीट कर सा गया है लालू प्रसाद यादव पे, और पहले तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से पूरे परिवार पे कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। CBI के द्वारा चार्जशीट फाइल की गई है आदरणीय लालू जी पर, परिवार के कुछ और सदस्यों के ऊपर भी। मैंने हमेशा इस बात को माना है कि अगर कोई सही है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। चार्जशीट ज़रूर फाइल हुई है, पर मुझे लगता है कि अपना पक्ष मजबूती से पूरा परिवार रखेगा, और अगर कहीं पे कोई दोषी नहीं होगा तो घबराने की भी जरूरत। जितनी दमखम के साथ महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी, लेकिन खुद राजद में जो है अब राह देखने को मिल रहा है, जगदानंद सिंह नहीं मान रहे हैं। पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें मैं क्या बोलूँ, पर हाँ, उनके सुपुत्र को मैं ज़रूर बधाई दूंगा। उन्होंने न सिर्फ बिहार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का उन्होंने काम किया, बल्कि उस दिशा में एक सशक्त कदम भी उन्होंने उठाया। मंत्री पद से जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, सही मायनों में करप्शन को ना टॉलरेट करने का साहस उन्होंने दिखाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र ज़रूर हैं। पर हाँ, जगदानंद बाबू की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे दरारें हैं कि भी नहीं है, मुझे नहीं पता। ये पूरी तरीके से राजद का इंटरनल। पासवान जी, एक सवाल यह भी ना है कि जिस तरह से आपने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत किया, अब सुधाकर सिंह बगावत के हैं, क्या नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए ही सारा काम कर लेते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे होता है, आज भी होता है। ऐसे में जब वो ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं, करप्शन क्राइम कहाँ रुक रही हैं सारी चीज़ें, और ऐसे में जब आप खामोश रहते हैं, भाई आपके एक मंत्री ने कहा था कि मेरे विभाग में हर अधिकारी भ्रष्ट है, क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? भाई अगर उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करता, वो सबसे पहले अपने मंत्री को बुलाता, उन अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाता जिनके खिलाफ उनके मंत्री ने अपना पक्ष रखा था। पर मुख्यमंत्री जी का ऐसी समय पे खामोश रहना दर्शाता है कि ना सिर्फ वो करप्शन को टॉलरेट करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन उन भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति उनका जाता है जो भ्रष्टाचार की वजह से बिहार को जो बदनाम करने का काम करते हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि जिस तरह से अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं, नीतीश कुमार आनंद फानन में उद्घाटन करने में लगे हुए हैं जगह जगह जाकर के, कैसे देख रहे हैं इसको? दिखाना है उनको कि भैया भाजपा के जाने के बाद हमने बहुत विकास का कार्य किया। उद्घाटन करने मात्र से ही विकास के मापदंड तय हों ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी है कि आप सही मायनों में हर उस गरीब व्यक्ति तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाएं, जिन योजनाओं को गिनाते भुनाते आप नहीं थकते। भाई आप एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पे बांध चूहे कुतर जाते हैं, आप एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर हवा में पुल ढह जाता है, जहाँ पर करोड़ों की शराब चूहे पी जाते हैं, आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहाँ पे हर साल तटबंध बनते हैं, टूटते हैं और बाढ़ का पानी गांव-गांव, घरों-घरों, खेतों में घुसने लगता है। कल भी एक ज़िले के दृश्य हम लोग देख रहे थे जहाँ पे अधिकारी ग्रामीणों के साथ ही मिलकर वहाँ पे तटबंध
को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। तो जब हर साल हजारों करोड़ की राशि जब आवंटित होती है मुख्यमंत्री जी, तो ये कहाँ जाती है? जल्दबाजी उद्घाटन करने की मत कीजिए, जल्दबाजी दिखानी है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम कीजिए जो इनकी वजह से आज बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार के किसी भी गाँव में चले जाइए आप, कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं होता। ज़रूरी है मुख्यमंत्री जी को तत्परता वहाँ दिखाने की। जहाँ तक रही बात गृह मंत्री जी को अपने विकास के कार्य दिखाने गिनाने की, लंबे समय तक वो आपके साथ रहे हैं, वो जानते हैं आपको भी, आपके कार्यों को भी, आपके भ्रष्टाचार को भी। तो इसीलिए उनको दिखाने की बजाय जनता को दिखाइए, वो ज़्यादा। तेजस्वी यादव को क्या नसीहत देंगे? जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के वो पोल खोलते थे और एजेंडा फिक्स करते थे, अब जब स्वास्थ्य उनके पाले में आया है तो अब चुप है? नहीं, आज तो भाई उनके हाथ में कमान है। जितनी बातों के खिलाफ वो अपने स्वर बुलंद करते थे, आज उन तमाम कुरीतियों को वो सुधार सकते हैं, वो उस पद पर हैं और यही अपेक्षा बिहार और बिहार की जनता उनसे करती है। अभी भी मध्यावर्ती चुनाव तक का समय है उनके पास और यही समय है अपने आप को साबित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा सबसे यंगेस्टर नेता चिराग पासवान ने। इन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार को एक तरह से आईना दिखाया और कहा कि नीतीश कुमार जी उद्घाटन करने से नहीं होता है, हकीकत जो है उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी लेकर उन्होंने कह दिया सर कि तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य और कई ऐसे विभाग आपके पाले में हैं, तो जिस तरह से आपने उजागर करने का काम किया करता था, आज हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? वो समय आ गया है कि आप जनता के हित में काम करें। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।